धर्म में जेठ माह का विशेष महत्व होता है। आज जेठ माह का तीसरा मंगलवार है और आज के दिन सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सरयू में स्नान करने के बाद श्रद्धालु पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर कतारबद्ध होकर जय श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का जय घोष के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे हैं। जेठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार के दिन लाखों की संख्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भक्त पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जेठ माह के पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक पवन पुत्र हनुमान की पूजा आराधना करने का विधान है। कहा जाता है इस दिन ऐसा करने से जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान राम की नगरी में जेठ के तीसरे मंगलवार के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। हनुमानगढ़ी के बाहर अस्थायी छांव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। राजस्थान के दौसा जिले से बांदीकुई से आए हुए हैं। आज हमने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन किए और आज तीसरा मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, और आज हमसे इस उम्मीद से आए हैं कि भगवान हमारी और हमारे देश की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। व्यवस्थाएँ अच्छी है, इसमें और सुधार की अभी आवश्यकता है जिससे अभी आने जाने में दिक्कत होती है, लोगों को थोड़ा कम हो, बड़े बूढ़ों को और जिसमें वृद्ध अवस्था वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद कुमार गुप्ता, बांदीकुई। मैं राजस्थान दौसा से रंजना गुप्ता हूँ। यहाँ दर्शन करने आई हूँ हनुमानगढ़ी में। सुबह अपने आए थे, बहुत अच्छी तरह से आराम से दर्शन हो गए हैं और ये लास्ट तीसरा मंगलवार है। ये सभी की भगवान मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करें। व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी है कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं उन लोगों को भी नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, पहले से बहुत सुधार हो चुका है, मोदी जी ने बहुत कुछ कर रखा है। रंजना गुप्ता।